अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रैंडमली। मैंने जैसा कि आप जान सकते हैं कि मेरे पीछे जो बाइक खड़ी है, आज मेरा जो रिव्यू है मोटो व्लॉग, जिसका हमने अनबॉक्सिंग की मैंने आपको वीडियो बनाई, तो इसका व्लॉग बनाया था बेसिकली। और आज इसका रिव्यू है जो कि बेनेली है। बेनेली की मैं स्टार्ट करता हूँ हिस्ट्री से। ये 1911 से ये बेनेली कंपनी है, इटालियन कंपनी है। पाकिस्तान में जो ये आई है ये 2017 से आई है, वो भी ये सिर्फ इनको इंपोर्ट करने की इजाज़त है, अभी यहाँ असेंबल नहीं हो रही है। बाकी जो हमारा जिसका मैं रिव्यू कर रहा हूँ, ये है बेनेली 180S। इसका मॉडल है 180, इसका सीसी है और सिलेंडर 4-स्ट्रोक इंजन है इसका। बाकी फर्दर आप देख सकते हैं, तो वो आपको ताहिर भाई इसका फर्दर बताएंगे कि इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं। जैसे आपको वसीम ने बताया बेनेली की हिस्ट्री के बारे में, तो बहुत से लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं कि यार वाई बेनेली, आपने बेनेली क्यों ली है जब पाकिस्तान में होंडा सुजुकी वगैरह अवेलेबल हैं, अब तो यामा YBR भी है। इससे पहले मैं बताता चलूँ, मेरे पास YBR ही थी, वो हमने सेल की कर दी वो बस। उसके अलावा एक्चुअली बेसिकली हमने बाइक लेनी थी जिसमें हमारी रेंज थी तकरीबन 5 लाख। जब अपने बाइक के बारे में सर्च करने शुरू की तो 5 लाख में पाकिस्तान में अवेलेबल लोकल मैन्युफैक्चर में कोई इतनी खास बाइक नहीं थी, क्योंकि हमें बाइक चाहिए थी, डिफरेंट बाइक चाहिए थी, क्योंकि होंडा उठा लो, YBR उठा लो, सुजुकी की उठा लो, वो सारी सेम बाइक्स हैं, कितने सालों से सेम चल रही हैं, तो स्टिकर्स ही बस चेंज करते हैं। तो हमें थोड़ी सी लुक वाइज भी अच्छी गाड़ी चाहिए थी, अच्छी बाइक चाहिए थी, तो हमने थोड़ा सर्च किया। इस 5 लाख की रेंज में चाइनीज़ बाइक्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं पाकिस्तान में, लेकिन चाइनीज़ बाइक्स का मसला ये था कि वो एक्चुअली बेसिकली कॉपी होती हैं, उसको क्या कह सकते हैं, रिप्लिका कह सकते हैं, जो कि फॉर एग्जांपल यामा R1 का कर दिया, R6 का कर दिया, लेकिन वो बिल्कुल जो है ना लॉन्ग टर्म यूज़ करने के लिए बाइक नहीं थी। खैर, फिर बेनेली के बारे में हमने सर्च किया, इसके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे थे। और तो हम आते हैं अब बाइक के ऊपर। बाइक का जो इंजन है वो 180cc इंजन है, जो कि डिस्प्ले 180S इसको कहते हैं। इसमें 3 स्पार्क क्लब हमें बेनेली ने दिए हैं, क्योंकि उसका फ़ायदा ये है कि 3 स्पार्क क्लब से उस गाड़ी की जो पिक है, बाइक की जो पिक है, वो बहुत अच्छी हो जाती है। अगर हम इसके बाइक के मीटर की बात करें तो ये फुली डिजिटल मीटर है। आपको इसके मीटर में एक तो गियर इंडिकेशन आपको मिल जाती है, हीट एंड कूल की आपको ऑप्शन मिल जाती है, RPM आपको ऊपर वाली साइड पे मिल जाता है, फ्यूल गेज की आपको ऑप्शन मिल जाती है, तो काफ़ी इसमें। और ये आपका बटन है, यहाँ से आप अपने इस मीटर की टोटल माइलेज वगैरह चेक कर सकते हैं। अगर आप इसको प्रेस करें तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ट्रिप ए आपको बताता है, ट्रिप बी बताता है, और टोटल आपको आपकी माइलेज, अभी ये 53 किलोमीटर चली है, और साथ में आपका इसमें आपको टाइम भी मिल जाता है। बाइक में आपको इंजन किल स्विच बटन मिल जाता है, जो कि आपको ऑन करके फिर ही आपकी बाइक स्टार्ट होगी, बेसिकली सेल्फ स्टार्ट बाइक है। ये इसके इंजन की आवाज़ है, इंजन की आवाज़ इतनी ज़्यादा नहीं है, साउंडलेस बाइक है ये, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इसका एग्जॉस्ट जो है वो चेंज कराया जाए, लेकिन लुक वाइज इसका एग्जॉस्ट है वो मुझे काफ़ी पसंद आया है। अगर इसके हेडलाइट की बात करें तो आपको इसमें DRL मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़र आते हैं, स्पेशली डे लाइट में, रात में भी बहुत अच्छे हैं। साथ में आपको जिसकी हेडलाइट है उसमें LEDs मिल जाती हैं, 2 ऊपर LEDs मिल जाती हैं। और आप अगर इसको हाई बीम में करते हैं तो यहाँ पे भी आपको LEDs मिल जाती हैं, जो कि इसकी लाइट मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगी थी, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिंग हेडलाइट है इसकी। साइड पे अगर हम इसकी यहाँ पे आएँ तो आपको डिपर मिल जाता है, अगर आप उसको दिखा सकें तो, यहाँ पे आपको डिपर मिल जाता है, ये हाई बीम लो बीम के लिए, और ये इंडिकेटर के लिए आपको मिल जाता है। इसका जो फ्यूल टैंक है, इसका फ्यूल टैंक 10 लीटर का आपको मिल जाता है। वैसे तो 10 लीटर इतना ज़्यादा टैंक नहीं है, लेकिन इसकी माइलेज जो है वो जो बेनेली क्लेम करता है वो यही है कि 45 तक आपको पर लीटर एवरेज दे देता है, जो कि मेरे ख्याल है कि 180cc सेगमेंट बाइक में बहुत अच्छी है। अगर इसकी हम बैक में आए तो बैक में आपको बहुत स्लीक सी इसकी बैक लाइट मिल जाती है, जो कि काफ़ी खूबसूरत लगती है। और जो नंबर प्लेट की इसकी टेल है, इन्होंने काफ़ी इसको एक्सटेंड किया हुआ है, अगर आप इसको साइड से दिखाएं तो काफ़ी जो है ना, इन्होंने स्पोर्टी लुक बनाई है बाइक की। इसके जो इंडिकेटर्स हैं वो भी LED हैं, साथ में आपको मड गार्ड मिल जाता है, जो कि एक अच्छी बात है, लोगों के ऊपर कोई कीचड़ वगैरह नहीं गिरेगा इससे। इसकी जो ब्रेक पे आते हैं, आगे भी आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है और पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है, और इनका जो रेड का कॉम्बिनेशन है ब्लैक के साथ वो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा है। इसकी ब्रेक्स बहुत ज़बरदस्त हैं, क्योंकि आगे भी डिस्क हैं और पीछे भी डिस्क हैं।
अगर हम इसके मोनोशोक की बात करें, यहाँ से इसका आगे मोनोशोक नज़र आ रहा होगा, इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हैं अपनी हाइट के हिसाब से। इसको कंट्रोल करके बाइक की जो सीट है इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी इन्होंने ऑप्शन दी है। ये 6 ट्रांसमिशन है, इसमें 6 गियर हैं। पहला गियर आपको आगे डालना पड़ेगा, बाकी पीछे की तरफ डालते हैं। जैसा कि आप देखते हैं 70 में या जैसे 125 में उसके बैक पे भी लगा होता है हैंडल गियर निकालने के, लेकिन इसका सिर्फ एक ही है। मतलब आपने सिर्फ इसको फर्स्ट टाइम ऊपर से दबाना है, बाद में आपने पीछे करने के लिए अपना पाँव नीचे से प्रेस करना ऊपर की तरफ, ताकि आप गियर नेक्स्ट गियर डाल सकें। और अगर बाद टाइम आप स्लो स्पीड पर हाई गियर पर आपकी बाइक अगर बंद भी हो जाती है तो आप घबराने की जरूरत नहीं है। आप ये सेल्फ स्टार्ट है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इलेक्ट्रिक बाइक, तो उस टाइम ये स्टार्ट भी हो जाएगी। ने इसमें एक बहुत अच्छा बिनाली ने फंक्शन इंट्रोड्यूस कराया हुआ है बाइक, दरअसल बेसिकली 180 cc और 3 प्लग है, तो बेसिकली इसको कूल रखने के लिए उन्होंने रेडिएटर इसमें इंट्रोड्यूस कराया हुआ है। जैसे कि आप गाड़ी में दे सकते हैं, ये रेडिएटर है, उसके साथ उन्होंने ऊपर कैप लगाया हुआ, पानी डाल सकते हैं, जो कि हम इसमें इसको कूल लगता है। जब ये बाइक हीट अप हो जाती है तो इसके अंदर इसकी फ़ैन है, ऑटो फैन है, वो रन होता है और इसको इसके टेम्परेचर को नॉर्मल पे ले जाता है। एक ये देख सकते हैं इसमें सस्पेंशन बहुत अच्छा है, कि आप जैसे भी जब खड्डा आता है या कोई भी रास्ता ख़राब आता है एडजस्ट करने के लिए, बेसिकली हम जब देखते हैं वो जो हार्ड मोटी चीज़ है वो नीचे होती है और ये पतली चीज़ ऊपर होती है, लेकिन इसको इसलिए बनाया हुआ ताकि ये बैलेंस अच्छी तरह रख सकें। और इसमें एक ब्रेकिंग के लिए उन्होंने एक डिस्क ब्रेक लगाई हुई है, ये आप देख सकते हैं, उसके साथ उन्होंने ब्रेकिंग सिस्टम बहुत अच्छा है। अगर आप इसके एयर स्कूप देखें तो ये काफ़ी ज़बरदस्त है, जो कि बाइक को बहुत स्पॉटी लुक देते हैं। बेसिकली ये बाइक हैवी बाइक सेगमेंट में आती नहीं है, लेकिन अगर आप इसको दूर से देखो तो ये हैवी बाइक से कम लगती भी नहीं है। अगर आप इसका पोस्चर देखें बात करें तो थोड़ा सा आपको बैंड होना पड़ता है, क्योंकि जो इसका हैंडल है थोड़ा सा नीचे है, लेकिन आप इसके साथ साथ अभी इसके यूज़ टू हो जाते हैं। नॉर्मल बाइक पे अगर आप इसके ब्रेक पैडल्स देखें थोड़े से आगे होते हैं, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा जो है आपकी जो लेग है वो बैक साइड पे जाती है, जो कि थोड़ा सा आपको शुरू में थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन उसके बाद आप जैसे जैसे इसको रेगुलर बाइक चलाएंगे आप इसके पोस्चर से भी यूज़ टू होते जाएंगे और जो आपकी ब्रेक और गियर है उससे भी आप यूज़ टू हो जाएंगे। Listening.